हेलो एंड वेलकम टू फूड स्लाइड, इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो कि डिज़ाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ बडिंग शेफ्स के लिए, ताकि वो लोग इस चैनल की वीडियोस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेसिक्स को क्लियर करें और किचन में अच्छा करें। वट एवर द एम इज़ टू क्लियर MT एंड ऑल, तो इन वीडियोज़ को देख के वो अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। मेरा नाम होता है शेफ सुमित पंत। आई वॉज अवार्ड एज शेफ ऑफ द ईयर 2017-18 बाई इंडियन कलिनरी फोरम। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे इस चैनल पे वो है किचन स्टॉक्स। नाउ अभी जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा वो होगा बहुत बेसिक्स ऑफ स्टॉक, जिसमें कि हम कवर करेंगे व्हाट इज़ अ स्टॉक, स्टॉक कंपोजिशन क्या होता है, यूजेस ऑफ स्टॉक क्या होता है, कितने काइंड के स्टॉक होते हैं, हाउ डू वी स्टोर अ स्टॉक एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस फैक्टर्स वाइल मेकिंग अ स्टॉक। सो स्टॉक होता क्या है? अगर मैं आपसे बोलूँ स्टॉक क्या होता है, तो स्टॉक एक लिक्विड है जो कि बहुत ही लॉन्ग आज तक सिमर किया है हमने ऑन अ स्लो फ्लेम विद सम वेजिटेबल्स, विद सम हर्ब्स, विद सम बोन्स एंड वाटर। और उतने सिमरिंग के बाद क्या होता है, जब वो इतने लॉन्ग घंटों तक वो स्टॉक बन रहा है, तो जितने भी बोन्स के अंदर के जूस होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, वो उस पानी में जाते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स में फ्लेवर्स होते हैं वो उस पानी में आते हैं, जितने भी हर्ब्स हमने डाले हैं वो सारा का सारा फ्लेवर क्या होता है, उस पानी में आ जाता है। उसके बाद जो हमें लिक्विड मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक, जो कि एक बहुत पावरफुल फाउंडेशन लिक्विड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि आपके राइस प्रिपरेशन में, बिरयानीज में, पिलाव्स में, पाया में, या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं सूप्स में, या हम इसको यूज़ कर सकते हैं सॉस में, बहुत सी जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कहीं पे भी आप स्टॉक बनाएंगे तो आपको चार बेसिक चीज़ चाहिए, आपको याद रखना है। स्टॉक बनाना है तो आपको ये चार चीज़ें चाहिए ही चाहिए। आप कहीं भी दुनिया में जाओ, अगर आपको कोई शेफ बोलता है स्टॉक बनाओ, तो आपके दिमाग में फट से ये चार चीज़ें आनी चाहिए। ये चार चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट इज़ बोन। ओके, वट एवर स्टॉक यू आर मेकिंग, यू रिक्वायर द बोन ऑफ दैट एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग अ चिकन स्टॉक, यू रिक्वायर चिकन बोन्स। इफ यू आर यूजिंग अ बीफ स्टॉक, यू रिक्वायर बीफ बोन्स। इफ यू यूजिंग अ मटन स्टॉक, यू रिक्वायर मटन बोन्स। तो जिसका भी बोन्स चाहिए उसी एनिमल्स, जिसका भी स्टॉक बनाना है उसी एनिमल का आपको बोन्स चाहिए। सेकेंड, हमें कुछ चाहिए होती है वेजिटेबल्स विच आर नोन एज मीरपुआ। नाउ मीरपुआ है क्या? मीरपुआ एक कॉम्बिनेशन ऑफ तीन टाइप ऑफ वेजिटेबल्स का है, जो कि है कैरेट्स, सेलरी और अनियन। ये तीनों की तीनों वेजिटेबल्स जो होती हैं ये बहुत एरोमेटिक वेजिटेबल्स होती हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं स्टॉक बनाने में, ताकि स्टॉक में वेजिटेबल्स का अच्छे से एरोमेटिक फ्लेवर्स आए। और इसका रेशियो क्या होता है मीरपुआ का? ये होता है 50-25-25। 50% अब आपका अनियन, 25% आपका कैरेट्स, 25% आपका सेलरी। यहाँ हम बोल सकते हैं इसका रेशियो होता है 2:1:1। तीसरी चीज़ जो आती है स्टॉक बनाने में वो आती है बुके गार्नी। नो, बुके गार्नी इज़ अ फ्रेंच टर्म। इसका मतलब ये दो शब्दों से बना है। बुके का मतलब होता है बुके, आपको पता ही है, और गार्नी का मतलब होता है, बुके का मतलब होता है बंडल, और गार्नी का मतलब होता है हर्ब्स। सो अ बंडल ऑफ हर्ब्स। कौन सी हर्ब्स? बेलीफ, थाइम और पार्सले। चौथी चीज़ जो बच जाती है आपके स्टॉक बनाने में वो है वाटर। ये तो आप सबको पता ही है, पानी के बिना स्टॉक बनता नहीं है। तो क्या चार चीज़ें हैं स्टॉक बनाने के लिए? फर्स्ट आपका है बोन, सेकेंड आपका है मीरपुआ जिसका रेशियो होता है 2:1:1, two parts of carrot, one part of celery, then you have bouquet garni which is a bundle of herb that is bay leaf, parsley, thyme and water। ये दो फोटोज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दो फोटोज हैं बुके गार्नी और मीरपुआ की। ऊपर वाली जो फोटो है मीरपुआ की फोटो है, जिसमें मैंने डाला है कैरेट्स, सेलरी और अनियन। रेशियो अनियन का 50%, सैलरी 25% और कैरेट्स 25%। जो नीचे वाली आप फोटो देख रहे हैं ये है बुके गार्नी का फोटो। बुके मतलब बंडल एंड गार्नी मतलब हर्ब्स, जिसमें आपको देख सकते हैं पार्सले, बेलीफ एंड थाइम। नाउ यूजेस ऑफ स्टॉक क्या है? एक बार आपका स्टॉक बन गया तो आप स्टॉक को उसमें आप किस में यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज सूप। सूप आपके कभी भी टेस्टी नहीं बनेंगे उसको आप पानी डाल के पकाओगे, आपको हमेशा हमेशा सूप बनाना चाहिए स्टॉक से। सेकेंड चीज़ है सॉस, जो आपके फ्रेंच मदर सॉसेज हैं। कुछ मदर सॉस ऐसी हैं जिसको बनाने के लिए आपको स्टॉक यूज़ करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एस्पेग्नोल सॉस, फॉर एग्जाम्पल आपका वलूते सॉस, फॉर एग्जाम्पल आपका टमाटो सॉस। थर्ड, स्ट्यूज, बहुत सारे स्ट्यूज बनते हैं, करीज बनती हैं। राइस प्रिपरेशन में आपको फिर से मैं बताता हूँ, बिरयानी बनेगा, पिलाफ बनेगा, ये सब के लिए हमें स्टॉक चाहिए होगा। नाउ काइंड ऑफ स्टॉक्स क्या हैं? यहाँ पे दो तरह के स्टॉक्स हमको हम बनाते हैं बेसिकली।
किसी के भी वो स्टॉक हो सकते हैं, बीफ स्टॉक हो सकता है या फिश स्टॉक हो सकता है, पर वो काइंड के दो हैं, एक है वाइट और एक है ब्राउन। ना वाइट स्टॉक से मेरा मतलब है उसका रंग वाइट नहीं होगा, उसका रंग ट्रांसपेरेंट होगा। व्हेन आई एम सेइंग वाइट स्टॉक, इसका मतलब वो स्टॉक वाइट रंग का नहीं होगा, दूध के कलर का नहीं होगा, इसका मतलब वो स्टॉक ट्रांसपेरेंट होगा। वाइट स्टॉक जब हम बनाते हैं तो उसको बनाने का प्रोसेस किया, हम बोन्स को लेते हैं, पहले हम बोन्स को ब्लांच करते हैं, उस पानी को फेंक देते हैं, उस पर ठंडा पानी डालते हैं, उसको फिर से स्लो सिमर के रखते हैं और लास्ट के आधे घंटे में मिर्पुआ डालते हैं और लास्ट के 10 या 5 मिनट पहले हम लोग उसमें बुके गारी डाल देते हैं। ऐसे बनता है आपका वाइट स्टॉक। जो ब्राउन स्टॉक है आपका, वो थोड़ा सा बनाना अलग है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले बोन्स को रोस्ट कर लेते हैं और वेजिटेबल्स को भी रोस्ट कर लेते हैं, बुके गार्नी लास्ट में डालते हैं। जो आपका मीरपुआ है उसको भी रोस्ट कर लेते हैं और जो आपका हड्डियाँ हैं उसको भी रोस्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, कैरामलाइजेशन आ जाती है। जब उसमें पानी डालते हैं तो जो कलर होता है हड्डियों में, जो कैरामलाइज करने से जो कलर आया ब्राउन कलर, वो पानी में आ जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ब्राउन स्टॉक। ब्राउन स्टॉक बहुत फ्लेवरफुल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फ्लेवर में एज़ कम्पेयर टू व्हाइट स्टॉक। नाउ स्टोरेज ऑफ स्टॉक, एक बार आपका स्टॉक बन गया तो आपको क्या करना है, हमेशा स्टॉक को रखना है आपको एक ठंडी जगह में, फ्रिज में रखना है। आपका स्टॉक बन गया, इमीडिएटली आप स्टॉक को फ्रिज में नहीं डालेंगे, आप फ्रिज पहले स्टॉक को बाहर रखेंगे, जब आपका स्टॉक थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आप उसको फ्रिज में डालेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, जो स्टॉक के ऊपर कभी कभी एक फैट की लेयर जम जाती है, उससे क्या होता है कि जो फैट जम जाता है तो वो हीट को बाहर निकलने नहीं देता और स्टॉक जो होता है आपका ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, उसमें से क्लाउडी हो जाता है। इसलिए हम हमेशा स्टॉक को, कभी भी स्टॉक को आप बॉईल नहीं करोगे, बॉईल करने से स्टॉक क्लाउडी जाता है। कभी भी हम स्टॉक को कवर करके नहीं पकाते हैं, उसके ऊपर लिड नहीं रखते हैं, उससे स्टॉक ख़राब हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं स्टॉक बनाने के लिए, हमें हमेशा हड्डी के बाहर का जितना भी आपको फैट दिख रहा है उसको हटा दो। अगर आप उसको हटा दोगे तो आपका जो स्टॉक होगा वो ग्रीसी नहीं बनेगा और ख़राब जल्दी नहीं होगा। स्टॉक को हमेशा सिमर करना है, बॉयल नहीं करना है। बॉयल करने से क्या होगा, स्टॉक आपका क्या होगा, वो क्लाउडी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, स्कम बनता है। जब भी आप स्टॉक बनाओगे आप देखोगे उसके ऊपर एक झाग सा बन रहा है, उसको बोलते हैं स्कम। वो हमेशा रिमूव करना है। अगर वो उसको आप रिमूव नहीं करोगे तो वो आपका जितने जितने धीरे धीरे आपका स्टॉक बॉयल होता रहेगा और वो स्कम जो है आपका वो स्टॉक में मिल जाएगा और वो खराब हो जाएगा। वी शुड नेवर 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 सीजन द स्टॉक। कभी भी उसमें सॉल्ट मत डालो, क्योंकि आपको नहीं पता उस स्टॉक से आप क्या बनाने वाले हो, सूप बनाने वाले हो या फिर सॉस बनाने वाले हो, तो इसलिए कभी भी उसको आप सीजन मत कीजिए। तो ये था स्टॉक के बारे में। आई थिंक यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।